नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना जिले के बमोरी पहुंचे थे, जहां के उकाबाद खुर्द गांव में पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और मृतक की पत्नी को ढांढस बंधाते हुए 5,000 रुपए 6 महीने तक देने के साथ उसे सरकारी नौकरी देने की बात कही है। आपको बता दें कि विजय सहरिया की महज 5,000 रुपए के लिए राधेश्याम लोधा ने उसे जिंदा जला दिया था, जिसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल था। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी मृतक की पत्नी से मिलकर उसे संतावना दी और अब खुद सीएम शिवराज सिंह मृतक के घर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार को विजय की पत्नी, हमारी बेटी को, दो बच्चे हैं नैन्सी और पीयूष, छोटे छोटे हैं, मासूम हैं, परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। बेटी को हम शासकीय सेवा में परिवार अगर चाहेगा तो स्थान देंगे। मकान का नया निर्माण होगा, अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी उसमें से आधी दे दी, आधी और दी जाएगी। संबल योजना के अंतर्गत 4,00,000 रुपया और विजय की पत्नी, हमारी बेटी को प्रदान किए जाएंगे।